और भी वीडियो देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल वाले आइकन को प्रेस करें ताकि और भी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो लगातार हम आपको जिला परिषद के वार्ड नंबर 2 के अलग अलग मतदान केंद्रों पर लेकर जा रहे हैं। अभी हम पंचायत समिति के वार्ड 16 पर पहुंचे हैं, जहां के मतदान केंद्र ग्राम पंचायत भूतगाम में मतदान करने को लोग पहुंच रहे हैं। तो यहां का नज़ारा भी हम आपको दिखाएंगे कि यहां पर लोग किस प्रकार से मतदान में हिस्सा निभा रहे हैं। और हम भी आपसे अपील करना चाहेंगे कि आप मतदान करने के लिए घरों से बाहर अवश्य निकले और अपने मत का प्रयोग जरूर करें, ताकि आप गाँव की सरकार चुनने में अपनी अहम भागीदारी निभा सके। तो चलिए अभी चलते हैं भूतगाम पंचायत के मतदान केंद्र पर। तो देखिए, ये भूतगाम ग्राम पंचायत के राजीव गांधी सेवा केंद्र में जो बूथ बनाया गया, वहाँ का नज़ारा है। यहाँ पर गांव की जनता गांव की सरकार चुनने के लिए अपनी अहम भागीदारी निभा रहे। वहीं महिलाएं भी इस बार अल सुबह का समय है तो घरों से बाहर निकल कर मतदान केंद्र पर पहुँच रहे और अपने अपने प्रत्याशियों को लेकर मतदान कर रहे। लगातार हम आपको अलग अलग जगहों की कवरेज दिखा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर पूरी तरीके से कोरोना गाइडलाइन की भी पालना करवाई जा रही है। सैनिटाइज़र वगैरह, मास्क वगैरह सभी के लगे हुए, किसी भी प्रकार से यहाँ पर कोई भी कोताही नहीं बरती जा रही है। और ये मतदान केंद्र है भूतगाँव ग्राम पंचायत का, जहाँ पर गांव के लोग बाहर निकल रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। अब हम चलेंगे किसी नए बूथ पर और वहाँ पर भी दिखाएंगे आपको कि वहाँ पर मतदान किस प्रकार का चल रहा है। तो जिला परिषद के वार्ड नंबर 2 और पंचायत समिति के वार्ड नंबर 16 के भूतगाँव ग्राम पंचायत के अभी मतदान केंद्र पर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रामीणों की अच्छी खासी मतदाताओं की भीड़ देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर भूतगाँव व जामोत्रा के दोनों बूथ एक ही जगह पर लगते हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार गांव की सरकार को चुनने को लेकर ग्रामीणों में काफ़ी उत्साह भी देखा जा रहा है। तो भूतगाँव ग्राम पंचायत के स्कूल में जो बूथ लगा हुआ मतदान केंद्र वहाँ पर है, आप देख सकते हैं भूतगाँव पंचायत के जामोत्रा व भूतगाँव के ग्रामीण यहीं पर मतदान करते हैं। तो इस बार मतदाताओं की काफ़ी अच्छी भीड़ देखने को मिल रही है, खासकर गांव की सरकार को चुनने में इस बार महिलाएं भी बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाते हुए नजर आ रहे। हम भी आपसे अपील करना चाहेंगे, आप अपने मत का जरूर प्रयोग करें और अपने गांव की सरकार चुनने में अपनी अहम भागीदारी निभाएं। हालांकि हर जगह पर आप देखेंगे तो कोरोना गाइडलाइन की भी पूरी प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जा रहा है। हर बिना मास्क के किसी को मतदान करने नहीं दिया जा रहा, सभी लोग पूरी तरीके से कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए दिखाई दे। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।